नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं और आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय आज मैं लेकर उपस्थित हूं। और वो विषय क्या है? वो विषय है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो आइए स्टार्ट किया जाए आज का नया टॉपिक, ऑपरेटर्स इन सी। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये विषय चुना क्यों, और सोचना अब जायज भी है। किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले ये पता तो होना चाहिए ना कि भाई हम क्यों उसकी विषय की जानकारी लें, क्यों हम पढ़ाई करें, हमें क्या फायदा मिलेगा। तो एक चीज जान लो बच्चों, अगर तुमको किसी भी लैंग्वेज की, नॉट ओनली इन सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जितनी भी लेटेस्ट लैंग्वेजेस मार्केट में चल रही हैं, आपको अगर इफेक्टिवली उन लैंग्वेजेस का प्रयोग करके कुछ निर्माण करना है, कुछ डेवलप करना है, तो आपको बच्चों सबसे पहला ज्ञान ऑपरेटर्स का लेना पड़ेगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स अगर आपको आ गए तो आप क्या हैं, वैल्यूज को, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर पाओगे। अरे भाई, अगर दो नंबरों को जोड़ना भी है, दो नंबरों पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी करने हैं, तो आपको बिना ऑपरेटर के नहीं होगा। तो आइए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय, लेकर आया हूं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर होते क्या है सबसे पहले, तो आपको मैं ऑपरेटर्स के बारे में हल्की सी नॉलेज देना चाहता हूं कि दे आर द सिंबल्स यूज्ड टू, दे आर द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन। किस पर? ऑन ऑपरेंड्स पर। बच्चों ये वो सिंबल्स हैं जो ऑपरेशन करते हैं। किस पर ऑपरेशन करते हैं? ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये आप ऑपरेंड क्या है आइए देख लीजिए। तो अगर आपने लिखा ए प्लस बी, ए प्लस सी माइनस डी डिवाइड बाई ई, तो यहां देखो ए हो गया तुम्हारा, सी हो गया तुम्हारा, डी हो गया तुम्हारा, ई हो गया, ये तीनों, ये चारों जो वेरिएबल्स हैं आप इनको किस नाम से जान सकते हैं? यू कैन से दे आर ऑपरेंड। और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ डिवीजन, ये क्या है बच्चों? दे आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। बात को समझने की कोशिश करिएगा, वो वैल्यू, वो वेरिएबल जिनके ऊपर कार्य होगा वो आपके ऑपरेंड कहल जाएंगे बच्चों। और जिन सिंबल्स की मदद से ये कार्य होगा उन्हें आप ऑपरेटर्स कहेंगे। और याद रखिएगा, ये पूरी जो कॉम्बिनेशन है ऑपरेंड ऑपरेटर का, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। हिंदी में कहें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? समीकरण कहा जाता है। तो आइए, अब समय आया है कि कितने प्रकार के सी में तुम्हारे ऑपरेटर्स हैं इनका जिक्र करूं मैं। तो देखो भाई, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, कितने प्रकार के ऑपरेटर्स हैं आपके सी लैंग्वेज में, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे पहला और सबसे यूजफुल वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरा बच्चों कौन सा है जिसको मैं रिलेशनल, मैं इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकता हूं। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से मैंने लिस्ट में नाम बताया? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, चौथा यूनरी ऑपरेटर्स। पांचवा
टर्नरी, या इसको कुछ लोग सी में कंडीशनल ऑपरेटर्स भी बच्चों बोलते हैं। और छठवां एक बहुत ही कमाल का ऑपरेटर है सी में, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ये देखिए नॉर्मल ये छह कैटेगरीज हैं बच्चों, जिन ऑपरेटर्स को आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं सी लैंग्वेज में और अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं कौन सा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आइए ध्यान से समझिएगा बच्चों, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। पहले तो ये होते क्या है और ये करते क्या है, दे आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अर्थमैटिक ऑपरेशंस। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, ये वो ऑपरेटर है जो बेसिक अर्थमैटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। वो बेसिक अर्थमैटिक ऑपरेशन होते क्या है आप सब भी जानते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मॉडुलस। तो आओ देखो, आओ सब लोग देखने की कोशिश करो कौन कौन से होंगे। तो पहला अर्थमैटिक, या मैं लिस्ट पूरी लिख दे रहा हूं, लिस्ट ऑफ अर्थमैटिक ऑपरेटर्स। बच्चों कौन कौन से अर्थमैटिक ऑपरेटर्स हैं सी में, तो पहला आपका है प्लस, जिसे आप क्या बोलते हैं, एडिशन। दूसरा अर्थमैटिक ऑपरेशन माइनस, सब ट्रैक्शन। तीसरा अर्थमैटिक ऑपरेशन प्लस हो गया, माइनस हो गया बच्चों मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, है ना। और चौथा आपका क्या होगा, डिवीजन। और पांचवा आपका बच्चों हो सकता है सी में मॉडुलस। ये देख लीजिए, इतने आपके प्रमुख अर्थमैटिक ऑपरेटर्स हैं, जिसमें पहला है आपका जोड़ करने का, आपने अगर एडिशन कर दिया 5 + 7 आप जानते हो क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन 7 - 2, मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए 2 × 6, और डिवीजन में 4 / 2, है ना। 7 + 5 आप जानते हो 12 आएगा बच्चों, 7 में से 2 गया 5, 6 × 2 = 12, और 4/2 आप जानते हैं आंसर क्या देगा बच्चों, 2 आएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे आखिरी में मॉडुलस। मॉडुलस जैसे 5 का मॉडुलस मैंने 2 से लिया, तो बताइए क्या आएगा, 5 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो 5 modulus 2, रिमाइंडर इज 1। तो ये देखिए कुछ बेसिक तुम्हारे सी के अर्थमैटिक ऑपरेटर्स हैं, जिनकी मदद से आप बेसिक अर्थमैटिक ऑपरेशंस को बच्चों परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद जो अगला ऑपरेटर है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये क्या करते हैं, तो देखिएगा, दे आर यूज्ड टू मेक रिलेशन और कंपेयर बिटवीन टू वैल्यूज। बच्चों ये करते क्या है, ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं और कंपेयर करते हैं बिटवीन किसके, 2 वैल्यूज की, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। और कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हैं, तो उनकी लिस्ट देखिए, पहला ये
जिसको मैं क्या कहता हूं, ग्रेटर देन। दूसरा, व्हाट इज दिस, लेस देन। तीसरा, ग्रेटर देन और, ग्रेटर देन और इक्वल टू। चौथा, लेस देन और इक्वल टू। पांचवा, नॉट इक्वल टू। और बच्चों छठा भी इसी में है, लगे हाथ, इक्वल टू। देख लीजिए, पूरी लिस्ट आपके सामने है, टोटल लिस्ट मैंने आपको दे दी। किसकी लिस्ट दी है ये आपको मैंने दी है रिलेशनल ऑपरेटर्स की बच्चों लिस्ट दी है, कि ये वो ऑपरेटर्स हैं जो क्या करेंगे, जो आपके दो डिफरेंट ऑपरेंड्स के बीच बच्चों कंपैरिजन, तुलना करने का काम करते हैं। और जिसमें सबसे पहला है क्या, आइए तो अब मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं एक एक करके, एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। जरा देखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। सब लोग ध्यान से समझिए एग्जाम्पल्स। पहला, पांच ग्रेटर देन तीन, आंसर बच्चों क्या आएगा यहां पर, आंसर बूलियन वैल्यू यानी ट्रू या फॉल्स में। तो पांच ग्रेटर देन तीन, ट्रू का मतलब होता है सी में वन और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। तो अगर आप पांच ग्रेटर देन तीन को चेक करेंगे तो ये रिटर्न करेगा वन यानी ट्रू। इसी की जगह तीन ग्रेटर देन पांच को आप चेक करोगे बच्चों तो ये रिटर्न करेगा जीरो अर्थात फॉल्स। आई रिपीट अगेन बच्चों, वन का मतलब सी में डिनोट होता है, वन का मतलब सी में डिनोट होता है ट्रू, और जीरो का मतलब सी में डिनोट होगा क्या, फॉल्स। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, पांच लेस देन छ, तो ये बिल्कुल वन है यानी ट्रू है, लेकिन छ लेस देन पांच ये क्या है, फॉल्स, यानी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। आगे एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए, अगर आपने लिख दिया बच्चों पांच बारह या बराबर है पांच के, तो जरा देखिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, पांच पांच से बड़ा तो नहीं है, गलत, लेकिन पांच पांच के बराबर है, ये सही है। तो ओवरऑल ये ऑपरेटर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपको आंसर ट्रू देगा। तो आंसर इसका क्या आएगा बच्चों, वन आएगा अर्थात ट्रू। इसी तरह से अगर आप लिख दे पांच लेस देन इक्वल टू पांच, पांच पांच से छोटा तो नहीं है बच्चों, लेकिन पांच पांच के क्या है, बराबर है, तो नो डाउट आंसर इसका भी क्या आएगा, वन आएगा। इसी तरह से अगर तुमने लिख दिया पांच नॉट इक्वल टू पांच, तो बताइए ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है ना, तो क्या पांच पांच के बराबर नहीं है, ये कथन सत्य असत्य नहीं है, गलत है, पांच तो पांच के बराबर है, तो ये क्या देगा, जीरो यानी फॉल्स। जबकि अगर मैं यही लिख दूं छ नॉट इक्वल टू पांच, तो बिल्कुल ये कथन सत्य है, छ पांच के बराबर नहीं है, तो आंसर बच्चों यहां क्या आएगा, वन आएगा। ये देख लीजिए, बहुत आसानी से आप सारे ऑपरेटर्स को देख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर बच्चों आपने देख लिया कि छ डबल इक्वल टू छ, बिल्कुल सही है, छ छ के बराबर है, सी के हिसाब से आपको आंसर क्या रिटर्न होगा बच्चों, वन रिटर्न होगा। तो ये देखिए, आप रिलेशनल ऑपरेटर्स देख रहे हो, और रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है, दो डिफरेंट ऑपरेंड की वैल्यूज को कंपेयर करना, कि वो बड़ी है, वो छोटी है, वो बराबर है, कि वो क्या है। तो होपफुली आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों समझ में आ गया होगा कि ये ऑपरेटर्स कैसे कार्य करेगा। इसके अलावा आपका तीसरा कैटेगरी जो है वो कौन सा है,
लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये किस लिए यूज होता है? तो दे आर यूज्ड इन सी टू कंबाइन और मेक अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन ध्यान से बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो क्यों यूज होते हैं? वो यूज होते हैं ताकि आप कंबाइन कर सकें या बना सकें। किसको बना सकें? जटिल कंडीशंस को का निर्माण। कैसे कैसे आप जटिल कंडीशंस का निर्माण सी में करेंगे, यही आपको देखना है। तो तीन ऑपरेटर हैं आपके लॉजिकल में। लॉजिकल ऑपरेटर की कैटेगरी में आप जाओगे तो तीन ऑपरेटर्स हैं। पहला होता है डबल एम्परसेंड, जिसे मैं कहता हूं एंड। दूसरा होता है पाइप सिंबल, सी में इसे और कहते हैं। और ये क्या है? नॉट होता है। एंड और नॉट। एंड कब काम करता है? व्हेन बोथ गिवन कंडीशंस आर ट्रू, तब एंड काम करता है। और कब काम करता है? व्हेन एनी वन कंडीशन इज ट्रू। और नॉट का रोल क्या है बच्चों? ये रिवर्स करता है एक्शन। रिवर्स का मतलब अभी समझाता हूं। एंड ऑपरेटर का बिहेवियर क्या है भाई? कि जब दो की दोनों दी गई कंडीशन अगर ट्रू होती है, दो की दोनों दी गई कंडीशन अगर ट्रू होंगी बच्चों, या दो से ज्यादा भी कंडीशन, यानी जितनी कंडीशन आप एंड के साथ मिलाओगे, अगर वो ट्रू है एक साथ, तब तो ये बोलेगा ट्रू, यानी वैल्यू आएगी वन। लेकिन उनमें से कोई भी एक अगर फॉल्स हो गई तो ये वैल्यू, ये काम नहीं आएगा बच्चों। और ऑपरेटर क्या है? थोड़ा फ्लेक्सिबल ज्यादा है। और कहता है कि जितनी भी कंडीशन आप मिला रहे हैं उनमें से कोई एक सत्य हो गई तो मैं काम कर दूंगा। और नॉट क्या है? रिवर्स करता है। अगर कंडीशन का आंसर आना चाहिए ट्रू तो नॉट लगा दीजिए तो पलट देगा, यानी फॉल्स कर देगा। और अगर कंडीशन का आंसर आना चाहिए फॉल्स और आपने नॉट लगा दिया तो बच्चों ये क्या कर देगा? ट्रू कर देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। पांच बड़ा है तीन से एंड पांच बड़ा है चार से, दोनों कंडीशन ट्रू है ना, आंसर आएगा वन। पांच बड़ा है तीन से एंड तीन बड़ा है चार से, ये तो ट्रू है ये तो फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए। तीन बड़ा है चार से और चार बड़ा है दो से, ये तो बच्चों फॉल्स है लेकिन ये क्या है? ट्रू है। ओवरऑल आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। और देखो एक कमाल का एक और एग्जांपल देखो। अगर आपने लिख दिया तीन बड़ा है तीन से एंड दो बड़ा है दो से, बताओ, और ब्रैकेट में क्या लगा दिया? नॉट। अब देखिएगा, ना तीन तीन से बड़ा है और ना दो दो से बड़ा है, ओवरऑल फॉल्स होना चाहिए, लेकिन नॉट लग गया तो फॉल्स का ये पलट देगा जब, तो ट्रू आ जाएगा, यानी आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चों? वन। तो ये बड़ा ही रोचक विषय है, बड़ा ही रोचक चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देने की और समझने की जरूरत है बच्चों। इतने सीमित समय में सारे ऑपरेटर्स तो मैं जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं कि अगर आप को कंप्लीट नॉलेज चाहिए इन ऑपरेटर्स की या सी लैंग्वेज का पूरा ज्ञान आपको चाहिए तो आप आइए जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे ऐप को सब्सक्राइब कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, यूनिक ग्रुप के ऐप को, और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और निश्चित तौर पे आपको फायदा मिल रहा होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है, मेरी आशा है। अगर कुछ भी फायदा बच्चों मिल रहा है इन नॉलेज का, तो आप सबसे निवेदन था मेरा कि प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक शेयर
कीजिए। और इसी आशा के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, आगे फिर मिलूंगा कुछ रोचक विषयों और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे नितिन श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।